एमडीयू रोहतक और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इन सभी छात्रों के लिए अपडेट्स हैं रेगुलर और डिस्टेंस मोड दोनों ही छात्रों के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को जरूर दबा लेना। जी हाँ, दोबारा कह रहा हूँ, घंटे निशान को जरूर दबा लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएंगी नई वीडियोज़ की। यहाँ पर देखिए, जो पहली अपडेट है वो है एमडीयू यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए। तो जो डिपार्टमेंट है इंग्लिश और जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनके लिए काउंसलिंग हुई है 13 दिसंबर को। यहाँ पे देखिए, तो इसकी जो काउंसलिंग है उसमें बहुत कम छात्र आए हैं जिन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश और जो फॉरेन लैंग्वेज है, तो इसमें पहली है फ्रेंच लैंग्वेज, जिनका सिलेक्शन इसमें हुआ है, जो एडमिशन हुआ है, लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर देख लीजिए, स्क्रीन शॉट लेकर रख लें, ठीक है, अपनी फीस जो है वो जमा करवा देना। अब बात करें, यहाँ पर देखिए जो जर्मन लैंग्वेज है इसकी एक अलग से नोटिफिकेशन दोबारा भी आ गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, रिवाइज्ड उसमें लिस्ट आई है, इसको मत देखिए आप, ठीक है। तो ये अगली लैंग्वेज के बारे में बात करें, स्पेनिश, तो इसमें जिसका एडमिशन हुआ है उसकी लिस्ट आपके सामने है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो चलिए बात करें अगली अपडेट के बारे में, तो रीअपियर और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म से संबंधित है। तो रेगुलर और जो डिस्टेंस के छात्र हैं सभी के लिए है ये, 15 दिसंबर तक जो आप अपने फॉर्म भर सकते हैं रीअपियर इम्प्रूवमेंट के लिए, और फिर 15 दिसंबर के बाद 22 दिसंबर तक 500 रुपये की लेट फीस और 22 से लेकर 30 दिसंबर तक 1000 रुपये की लेट फीस के साथ फॉर्म भरे जाएंगे। रीअपियर के जो पोर्टल है वो फिर बीए बीकॉम के लिए फर्स्ट सेकंड ईयर के लिए अप्रैल 2022 में भी पोर्टल होगा लागू, जो है ओपन, जो कि 25/5/22 तक जो है वो लागू रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। रीअपियर पोर्टल जो है डिस्टेंस एमए और एमकॉम या फिर एमएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो है ओपन करा जाएगा अप्रैल 2022 में, जो कि शुरू बंद होगा 25/5/2022 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। फिर बात करें यहाँ पे देखिए, जो डिप्लोमा इन डाटा एनालिटिक्स का जो है इनकी काउंसलिंग हुई है, तो लिस्ट जिनका नाम आया है उसमें यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी काउंसलिंग के बाद, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, देखिए यही कैंडिडेट है जिनका लिस्ट में नाम आया है एडमिशन के बाद, ठीक है। तो चलिए अब अगले अपडेट के बारे में बात करिए, ये थी जो मैंने आपको बताया था जो फ्रेंच सेशन है फ्रेंच लैंग्वेज का, ये यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट का जिनका सिलेक्शन हुआ है लिस्ट में है, ये पीडीएफ की फाइल जो आप जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, मैंने वहाँ पे डाल दी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारी पीडीएफ की फाइल या जो अपडेट्स आते हैं, मैं वहाँ पर पीडीएफ की फाइल अपलोड करता रहता हूँ, चाहे कोई रिजल्ट आए, चाहे कोई यहाँ पे कुछ भी अपडेट आती है, सारी मिलती है वहाँ पे। अब अगली अपडेट यहाँ पे देखिए, जो बीटेक फर्स्ट सेम और बीटेक थर्ड सेम के जो लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए फॉर्म भरने का जो एक मौका है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, कौन सा है ये, रजिस्ट्रेशन रिटर्न का, ठीक है। तो शेड्यूल है नया, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट डेट है वो पहले 10 दिसंबर थी, अब जो लास्ट डेट है वो जो 20 दिसंबर कर दी गई है और 24 दिसंबर लेट फीस के साथ में है। तो चलिए अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ें, इसमें यहाँ पे देखिए कुछ रिजल्ट हैं वो एमडीयू ने जारी करे हैं, इसके बाद अपडेट्स जो आएंगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए हैं वो भी दिखाऊंगा, तो पहले एमडीयू वाले भी अपडेट सारी चल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक लॉ का जो है दूसरे सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का इंग्लिश हिंदी इंग्लिश का जो है दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया। डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो है रिजल्ट आया दूसरे सेमेस्टर का। पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन लेबर लॉ एंड सोशल वेलफेयर से दूसरे सेमेस्टर का जो रिजल्ट इसका भी आ गया है। पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ, तो इसका भी दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आया। एमफिल स्टैटिस्टिक्स का जो है दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आया। एमफिल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट है। एमफिल फिजिकल एजुकेशन का भी दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आया। दूसरे ही सेमेस्टर का एमफिल हिस्ट्री का रिजल्ट है। एमफिल ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, इन सभी का भी जो रिजल्ट है दूसरे सेमेस्टर का आया है। डिप्लोमा इन तबला तबला, तो इसका भी दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट है। और दूसरे ही सेमेस्टर का रिजल्ट है डिप्लोमा इन हारमोनियम का। तो ये सारे रिजल्ट आए हैं एमडीयू की ओर से अभी पिछले एक या दो दिन में। अब बात करें जो अगली अपडेट है वो है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो ये अपडेट यहाँ पे देखिए हॉस्टल में एडमिशन से लेने से रिलेटेड है। तो 13 दिसंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं ऑफलाइन मोड में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो तीसरे, पाँचवें, सातवें और नौवें सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके एडमिशन जब वो शुरू हो जाएंगे हॉस्टल के, ठीक है, 13 दिसंबर से अपने फॉर्म भर लेना। तो दोनों ही जो डोज है वैक्सीन की वो लगवाई हुई होनी जरूरी है, ये पहली एक तो चीज़ है। और जो आपकी डिस्टेंस रहेगी यूनिवर्सिटी से, कितनी दूर आप रहते हैं, कहाँ घर है आपका, तो जो भी आपने फॉर्म में अपना एड्रेस दे रखा है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से ही जो है किसको हॉस्टल देना है किसको नहीं वो डिसाइड करा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ। तो अपने बीपीएल के जो कैंडिडेट हैं वो अपना बीपीएल का सर्टिफिकेट रखना, और जो जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपना जरूर रखना, ठीक है, तैयार। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं। तो बाकी ये नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, पीडीएफ की फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो अब आप अगले अपडेट के बारे में बात करें तो एमएड एडमिशन से जुड़ी अपडेट है। जो सीटें खाली हैं उसकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे दी गई है, कितनी सीटें खाली पड़ी हैं वो देख लेना आप यहाँ पे, और इनकी जो फिजिकल काउंसलिंग इसके बाद यहाँ पे होगी।
तो वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए कि जो अटेंडेंस आपने लगानी है ऑनलाइन, 100 रुपये की फ़ीस लगेगी साथ में, तो 14 दिसंबर से शुरू है जो कि 15 दिसंबर तक जो है वो आप अपने अटेंडेंस लगा सकते हैं, और उसके बाद ही आपकी जो एडमिशन के बारे में प्रोसेस है इसका शुरू होगा। अब लास्ट जो अपडेट है, कुछ थ्योरी की डेट शीट जारी करी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये 5-6 कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, स्क्रीन पे आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में अच्छे से या वीडियो को बीच में रोककर इसको पढ़ लें एक बार अच्छे से, किस किस की डेट शीट आई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों की ये डेट शीट है, ठीक है। तो ये दिसंबर में एग्जाम होने हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स MDU और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों की। तो ये अपडेट्स अगर आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।